किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं, हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, शिक्षक है आप, अपने आप को इस वेशभूषा में। जब हेडमास्टर को कुर्ता पैजामा पहना देखा तो डीएम साहब ने हेडमास्टर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। साथ ही वो छात्रों के सामने ही हेडमास्टर से आपत्तिजनक भाषा में बात करने लगे। लेकिन ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डीएम साहब खुद ही सवालों के घेरे में खड़े हो गए। दरअसल ये मामला बिहार के लखीसराय जिले का है, जहाँ डीएम संजय कुमार सिंह कन्या प्राथमिक विद्यालय बालगुदर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल निर्भय कुमार सिंह के पहनावे को देखकर वो भड़क गए और छात्रों के सामने ही डीएम हेडमास्टर पर चिल्लाने लगे। आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको जरा सा इतना ही नहीं, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सैलरी रोकने से लेकर सस्पेंड करने तक की बात कर डाली। हेडमास्टर कैसा है जी, ये जो देखिए कि हेडमास्टर आपके हमारे सामने कुर्ता पजामा पहन करके आराम से नेता की तरह बैठे हुए हैं। ना हम इनके उस पर तत्परता देख रहे हैं कि बच्चे लोगों को कोई पढ़ा रहे हैं। निर्भय कुमार सिंह नाम है, इनका नाम नोट कीजिए और इनको शोकॉज वहां से कीजिए कि इनको क्यों नहीं यहां से हटा दिया जाए। और इनका स्कूल में वेतन इनका बंद कर दीजिए, इनका वेतन बंद कर दीजिए तुरंत। लेकिन अब हेडमास्टर पर नहीं बल्कि डीएम साहब पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी ट्वीट कर डीएम पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि डीएम संजय कुमार सिंह निरीक्षण के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल निर्भय कुमार सिंह के पहनावे को देख भड़क गए थे और उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन मिला दिया। उन्होंने प्रिंसिपल के पहनावे को नेता टाइप बताया। अब इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। आप एक चीज आप बता देते हैं, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की तरह रखिएगा, अपने आप को इस वेशभूषा में आप रखिएगा तो आप शिक्षक रखने के लायक नहीं। हम लोग आपको ये कह देंगे कि भाई इनको जनप्रतिनिधि ही बना दीजिए, आप जाकर के वोट मांगते रहिएगा लोग से, यहाँ शिक्षा करने का जरूरत नहीं है। इस तरीके से इतना ढीला ढाला करके आकर के बच्चे लोगों पर नेतागिरी के हिसाब से नहीं आकर के करेंगे। मामले को लेकर 1985 बैच के आईएएस अधिकारी संजू गुप्ता ने कहा, कॉलोनियल मानसिकता के साथ ऐसा असभ्य व्यवहार करना एक सिविल सर्वेंट के लिए निंदनीय और अशोभनीय है। भारतीय पहनावे के लिए एक शिक्षक की आलोचना की जा रही है। आईआईटी कानपुर में कुछ शिक्षक और हम लोग पैजामा कुर्ता पहना करते थे। इस मामले को मैंने चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आईआरटीसी संजय कुमार ने भी मामले पर ट्वीट कर डीएम के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने लिखा, यह ऑफिसर जैसा व्यवहार नहीं है। एक लीडर कभी भी पब्लिकली अपने टीम मेंबर को नीचा नहीं दिखाता, उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ पेश आए। निंदनीय व्यवहार, इस तरह के दुर्व्यवहार कई लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग अपने साथ लाइव कवरेज के लिए रिपोर्टर्स को साथ ले जाते हैं ताकि वो लोग खुद को सख्त और समझदार दिखा सके। इसके बाद आईपीएस अरुण बोथरा ने एजुकेटर्स ऑफ बिहार के वीडियो को शेयर कर दो सवाल किए। एजुकेटर्स ऑफ बिहार ने लिखा, क्या भारत में शिक्षकों के कुर्ता पैजामा पहनने पर रोक है? क्या कुर्ता पैजामा पहनने के जुर्म में शोकाज और वेतन बंद करना उचित है? इस पर आईपीएस अरुण ने भी अपनी तरफ से दो सवाल जोड़ दिए। उन्होंने लिखा, एक बच्चे के तौर पर आप अपने सामने शिक्षक को अपमान होते देख कैसा महसूस करेंगे? दूसरा, सीनियर सरकारी ऑफिसर के बीच टीवी क्रू के साथ ऑफिशियल निरीक्षण के लिए जाने का ये कैसा ट्रेंड है? मामला यही नहीं थमा, अब वीडियो को दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत ने भी शेयर किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने भी ट्वीट किया। साथ ही तमाम लोगों ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।